कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी आज झारखंड दौरे पर थे। राहुल ने चाईबासा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि देश में जल, जंगल, जमीन पर पहला अधिकार आदिवासियों का है। भारतीय जनता पार्टी आदिवासी को वनवासी बताकर उनसे यह अधिकार लेना चाहती है। हमारा संकल्प है कि हम उन्हें यह अधिकार दिलाएंगे। चुनाव के ऐलान के बाद पहली बार झारखंड आए राहुल गांधी ने चाईबासा में उसी टाटा कॉलेज मैदान में सभा को संबोधित किया, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते 3 मई को रैली की थी। उन्होंने सिंहभूम सीट से झामुमो की प्रत्याशी जोबा मांझी के लिए वोट मांगे। झारखंड के चाईबासा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने सत्ता में आने पर करोड़ों लोगों को लखपति बनाने का वादा भी किया। गांधी ने कहा कि यह लोकसभा चुनाव संविधान और आदिवासियों, गरीबों और पिछड़ों के अधिकारों को बचाने के लिए है। इंडिया गठबंधन के नेता संविधान को बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान तक देने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन को 14 से 15 उद्योगपतियों के हवाले करना चाहते हैं। उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में 22 लोगों को अरबपति बनाया। सत्ता में आने पर हम करोड़ों लखपति बनाएंगे और गरीब महिलाओं को सालाना 1,00,000 रुपए देंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी आदिवासियों की भूमिका घरेलू सहायकों जैसी कर देना चाहती है। वे कभी नहीं चाहते कि आप डॉक्टर, इंजीनियर और वकील बने। वे जंगलों को उद्योगपतियों को सौंपना चाहते हैं। देश को 90 आईएएस अधिकारी चला रहे हैं और उनमें से केवल एक आदिवासी है, जिसे दिल्ली में किनारे कर दिया गया है। देश में आदिवासियों की आबादी करीब 8% है। वहीं जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बारे में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया है, लेकिन हेमंत सोरेन छूटेगा। इसके जवाब में भीड़ ने नारा लगाया, जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। और उनको बुके देकर सम्मानित करेंगे झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय चंपाई सोरेन जी। माननीय चंपाई सोरेन जी के द्वारा बुके देकर आदरणीय राहुल गांधी जी का जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। साथियों, हमारे बीच में प्रत्याशी मैडम जोबा मांझी जी हैं, वो भी बुके देकर स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां बजते रहनी चाहिए। हमारे जिला अध्यक्ष सुखराम राव जी से मैं आग्रह करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को बुके देकर स्वागत करेंगे। माननीय सुखराम राव जी, जिला के अध्यक्ष, स्थानीय विधायक, चकरधरपुर के विधायक, उनके द्वारा स्वागत किया जा रहा है। और हमारे बीच में मंत्री बन्ना गुप्ता जी हैं, उनको बुके देकर स्वागत करेंगे हमारे जिला के अध्यक्ष सुखराम उरांव जी।